गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी की क्लासेस, और जूलॉजी के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो आपके सिलेबस के अंदर तीन पेपर हैं। ओके, तो पेपर फर्स्ट जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है प्राणी विविधता, एवं जैव विकास। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, जो पेपर सेकंड है वो पेपर सेकंड है आपके कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी। यानी कि सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जो पेपर थर्ड है वो पेपर थर्ड है आपके परिवर्धन जैविकी। यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, तो ये तीनों पेपर जो है वो आपके 50-50 मार्क्स के हैं। ये भी 50 मार्क्स का है, ये भी 50 मार्क्स का है, ये भी 50 मार्क्स का है। और एक आपके जो है वो है प्रैक्टिकल, जो कि आपके 75 मार्क्स का है। ओके, तो ओवरऑल ये आपके 225 मार्क्स का जूलॉजी का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का पार्ट रहता है। ओके, इन पेपर्स के अंदर आपके पास अभी तक तीन तीन यूनिट्स हैं। अगर यूनिवर्सिटी कोई चेंजेस नहीं करती है तो 3-3 यूनिट्स इसके अंदर तीनों पेपर्स के अंदर आपके पास में है। आज जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी वाला पेपर, यानी कि पेपर सेकंड। ओके, और इसमें भी सबसे पहले अपन जो है वो स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, जो कि अनुवांशिकी से रिलेटेड है, जिसमें शुरू से अपन देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या है और उसके अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। ओके, तो अपन जो है आज स्टडी कर रहे हैं बीएससी पार्ट वन के जूलॉजी का पेपर सेकंड। ओके, तो पेपर कौन सा अपना, पेपर सेकंड है। पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम है कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी। और इसके अंदर जो है अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। ओके, जो किसके ऊपर है, जो है अनुवांशिकी की। अनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते अपन, जेनेटिक्स। ओके, तो सबसे पहली चीज, अनुवांशिकी किसे कहते हैं। अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, अनुवांशिकी कहलाती है। तो अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा, क्या कहलाएगी, वंशागति अनुवांशिकी कहलाएगी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, अनुवांशिकी। वंशागति का तात्पर्य इंग्लिश में क्या है, हेरिडिटी। विभिन्नताओं का मतलब क्या है, वेरिएशन। वंशागति का मतलब क्या है, वंशागति का तात्पर्य है कि लक्षणों का पैतृक से किसमें, संतति में स्थानांतरण। ओके, किसका, लक्षणों का पैतृक से संतति में स्थानांतरण, क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। और विभिन्नताओं का तात्पर्य क्या है, विभिन्नताओं का तात्पर्य है कि जो संतति हुआ करती है उस संतति में सभी लक्षण करीब करीब माता और पिता से आते हैं, पर फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हुआ करते हैं जो ना माता के पास होते हैं और ना पिता के पास हुआ करते हैं। अर्थात कुछ लक्षणों में संतति माता और पिता से, पैतृक से भिन्नता लिए हुए होती है,
तो ऐसी विभिन्नताओं का अध्ययन भी विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है, अनुवांशिकी कहलाती है। ओके, अब हम बात करते हैं अनुवांशिकी के जनक के बारे में। तो अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं अपन ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो अनुवांशिकी का जनक कौन है, अनुवांशिकी का जनक वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इसका सामान्य परिचय अगर अपन देखें मेंडल का, ओके, तो मेंडल का सामान्य परिचय, तो मेंडल के सामान्य परिचय को देखें तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल का जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को। ओके, मेंडल ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद 1843 के अंदर चर्च के अंदर जो है क्या बन गया, ये पादरी बन गया, यानी कि पादरी बन गया। कब, 1843 में। और ये पादरी कहां बना, ब्रूम शहर के अंदर, जो अभी वर्तमान के अंदर चेकोस्लोवाकिया के अंदर है, ध्यान रखना। तो 1843 के अंदर ब्रूम जो किसमें था, चेकोस्लोवाकिया में, वहां पर ये क्या बन गया, पादरी बन गया। इसने 1857 से लेके 1865 तक उद्यान मटर पादप पर, कौन से पादप पर, उद्यान मटर के पादप पर क्या किए, संकरण संबंधी प्रयोग किए। ओके, संकरण के प्रयोग किए, कौन से पादप पे किए, उद्यान मटर पर। और उद्यान मटर जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। जो मटर का पादप है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। ओके, और अपने इस प्रयोग के आधार पर 1866 में इसने अपना पहला शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर वो प्रकाशित किया। ओके, तो जो पहला शोध पत्र प्रकाशित किया, उस पहले शोध पत्र का नाम क्या था, उसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स। क्या नाम था, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिड्स, यानी कि हिंदी में से क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पादप संकरण के प्रयोग। ओके, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ओके, या हाइब्रिड्स भी बोल सकते हैं इसको केवल, ओके, प्लांट हाइब्रिड्स। इस शोध पत्र का जो प्रकाशन है वो प्रकाशन हुआ था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी एनुअल प्रोसीडिंग के अंदर। ओके, तो इसका प्रकाशन किसमें हुआ, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूम के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। ओके, इसके बाद 5 जनवरी 1884 को मेंडल की जो है वो मृत्यु हो गई। और जब मेंडल की मृत्यु हुई तब तक मेंडल के इन पादप संकरण संबंधी प्रयोगों के बारे में किसी को भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी, अर्थात मेंडल ने क्या प्रयोग किए और उन प्रयोगों का परिणाम क्या था, जो अनुवांशिकी के क्षेत्र के अंदर एक नींव का पत्थर साबित हुआ, उसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। ओके, 19th century में यानी कि 1900 में 3 वैज्ञानिक थे। इन 3 वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक जो जर्मनी के थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था कॉल कॉरेंस। दूसरा जो वैज्ञानिक थे वो थे नीदरलैंड के, कौन, डीब्रिज। इनका नाम क्या था, इनका नाम था डीब्रिज। और तीसरे वैज्ञानिक जो थे वो थे ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम क्या था, वॉन शेरमेक।
ओके, तो कॉल कॉलिंस, डीब्रिज और वॉन शेरमेक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने 19th सेंचुरी के अंदर मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की. क्या करा इन्होंने? मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करी, यानी कि इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के थे, यानी कि पादप संकरण पर इन्होंने जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों के परिणाम उन्होंने क्या देखे कि मेंडल ने जो परिणाम दिए थे पादप संकरण संबंधी, उनके बिल्कुल समान थे. अर्थात उनके रिजल्ट और उनसे बहुत पहले मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणाम बिल्कुल सेम थे. इस आधार पर जो है मेंडल को फिर क्या कहा गया, फिर मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि फिर मेंडल को किसकी उपाधि दी गई, अनुवांशिकी के जनक की उपाधि दी गई. ओके, अब हम बात करते हैं मेंडल के जो प्रयोग थे उनसे संबंधित उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, वो किस विधि से, कौन सी विधि से, किस प्रकार से उसने कार्य किया जिसके कारण उसे सफलता प्राप्त हुई. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल की कार्य विधि के बारे में. तो मेंडल की कार्य विधि की अगर अपन बात करें, तो मेंडल ने सबसे पहले जितने भी पूर्व वैज्ञानिक जो पादप संकरण संबंधी प्रयोग कर रहे थे उनकी असफलताओं के कारणों का अध्ययन किया. ओके, तो मेंडल ने क्या किया, जो पूर्व वैज्ञानिक थे इनकी असफलता के जो कारण थे उनका पहले अध्ययन किया. तो पूर्व वैज्ञानिकों की असफलताओं के कारणों का अध्ययन किया ताकि मेंडल कम से कम वहां पर स्वयं असफल नहीं हो. ओके, दूसरी चीज मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक समय में एक ही विप्रयासी लक्षण पर अपना प्रयोग किया, यानी कि एक समय में एक ही विप्रयासी लक्षण का उसने क्या किया, अध्ययन किया. ओके, तो एक समय में एक ही विप्रयासी लक्षण का अध्ययन किया, क्योंकि पूर्व के वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं एक से अधिक लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया होगा, जिसके कारण उनको जो आशावित परिणाम थे, संभावित परिणाम थे, वो परिणाम उनको शायद कहीं प्राप्त नहीं हुए. ओके, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उन प्रयोगों को F1 व F2 पीढ़ी तक है ना लेकर के गया और फिर उनका अध्ययन किया, यानी कि केवल एक बार अध्ययन करके या एक पीढ़ी तक ही अध्ययन नहीं किया, उसने एक पीढ़ी के बाद उसके बाद वाली और जो पीढ़ी उनसे प्राप्त होती है, तो पैतृकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी जो होती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है, फिर F1 से प्राप्त जो पीढ़ी हुआ करती वो क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी कहलाती है. तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग थे उन प्रयोगों में उसने दो दो पीढ़ियों तक, आगे की जो दो पीढ़ियां हुआ करती है वहां तक अध्ययन किया और फिर अपने परिणाम जो है उसने प्रस्तुत किए. एक और मेंडल ने अच्छा कार्य जो किया था वो ये था कि इसने जो भी परिणाम प्राप्त हुए उन परिणामों को गणितीय व सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया. तो परिणाम जो था वो परिणाम जो है वो आसानी से समझा जा सके, आसानी से लोगों के समझ में आ सके, इसके लिए उसने उन परिणामों को गणितीय और सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया. ओके, और एक मेंडल को जो सबसे बड़ा फायदा प्राप्त हुआ वो ये हुआ कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उस प्रयोग के अंदर उसने जिन पादपों का चयन किया था वो पादप कौन से प्रकार के थे, शुद्ध प्रकार के थे. कौन से प्रकार के, शुद्ध प्रकार के. ओके, यानी कि समयुग्मजी लक्षणों वाले हुआ करते थे. अब ये समयुग्मजी लक्षण, F1PD, VPS लक्षण, ये सब क्या हुआ करते हैं, ये सब इस सामान्य परिचय के बाद अपन जो लेक्चर होगा अपना नेक्स्ट लेक्चर, उस लेक्चर के अंदर इन सबको स्टडी करेंगे. पॉइंट वाइज सारी जितनी भी शब्दावली है ये सारी की सारी शब्दावली आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगी. ओके, और एक और मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण क्या था, वो कारण था मटर पादप का चयन करना. तो मेंडल ने जो मटर पादप का चयन किया
ये भी मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण था। ओके, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं कि जो मटर का पादप हुआ करता है जिसका चयन करने के कारण मेंडल को सफलता मिल गई, तो वो मटर का पादप में क्या क्या लक्षण उपस्थित हुआ करते हैं। ओके, तो मटर के पादप के लक्षणों को अपन देख लेते हैं कि मटर के पादप के अंदर क्या क्या लक्षण हुआ करते हैं। तो देखो, मटर पादप जो हुआ करता है, सबसे पहली चीज, एक वर्षीय और शाक प्रकृति का पादप हुआ करता है। तो एक वर्षीय होने का मतलब क्या है कि करीब 6 माह के अंदर ही इसका जीवन पूर्ण हो जाता है। बीज से लेकर के पादप की मृत्यु तक का, यानी कि बीज से पादप बनना, पादप में पुष्पन होना, पुष्पन के बाद फल निर्माण होना और पादप की आयु का समाप्त हो जाना, ये सारी क्रियाएं जो है वो करीब करीब 6 माह के आसपास की अवधि में संपन्न हो जाती है। और एक वर्ष में एक बार हम मटर की फसल को प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे एक वर्षीय पादप कहते हैं। ओके, तो मटर के पादप पर इसने प्रयोग किए जो कि एक वर्षीय था, तो इससे फायदा ही हुआ कि अगली पीढ़ी उसे काफी जल्दी प्राप्त हो गई। ओके, नहीं तो उसे पेड़ के बड़े होने का, फिर उस पर पुष्पन होने का, फिर उस पर फल लगने का, बीज बनने का पूरा प्रोसेस जब तक होता, जब तक उसे इंतजार करना पड़ता। दूसरी चीज, शाक प्रकृति का है, तो शाक प्रकृति का है तो कम स्थान में ही अधिक पादप जो है वो लगाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं और उनके ऊपर प्रयोग किया जाना आसानी से संपन्न हो सकता है। ओके, दूसरा, ये पादप जो है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या हो गया, इस पे जो पुष्प हुआ करते हैं उनमें नर और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित हुआ करते हैं, तो दोनों प्रकार के जननांग जो है वो एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित हुआ करते हैं। तीसरी चीज, इसके अंदर परागण की क्रिया जो है वो स्वयं परागण हुआ करती है। कौन से प्रकार का होता परागण, स्वयं परागण, यानी कि बिना किसी बाह्य माध्यम साधन या युक्ति के यहां पर परागण की क्रिया संपन्न होती है, परंतु स्वयं परागण के साथ साथ पर परागण की क्रिया भी, यानी कि कृत्रिम रूप से भी अगर परागण जो है वो यहां पर आसानी से कराया जा सकता था। ओके, तो स्वयं परागण के साथ साथ पर परागण भी इस मटर के पादपों के अंदर आसानी से संपन्न कराया जा सकता है। चौथा और विशेष कारण जो है वो ये है कि इसके अंदर करीब 34 प्रकार के विप्रयासी लक्षण जो है वो उपस्थित होते हैं। कितने प्रकार के, 34 प्रकार के। अब विप्रयासी लक्षण क्या होते हैं, विप्रयासी लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जिसका एक प्रभावी रूप होता हो और एक अप्रभावी रूप होता हो, तो ऐसे लक्षण विप्रयासी लक्षण कहलाते हैं। तो मटर पादप के अंदर 34 प्रकार के विप्रयासी लक्षण उपस्थित होते हैं, परंतु मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए केवल 7 प्रकार के विप्रयासी लक्षणों का चयन किया। कितने, 7 प्रकार के विप्रयासी लक्षणों का चयन किया। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये 7 विप्रयासी लक्षण, उनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों अपन देखेंगे। ओके, अभी क्योंकि अपन मटर पादप के लक्षण देख रहे हैं तो अभी उनकी बात कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ा जो लाभ था मटर के पादप के चयन का, वो क्या था कि ये जो 34 के 34 विप्रयासी लक्षण है जिनमें से 7 का चयन मेंडल ने किया था, ये सभी लक्षण नग्न आंखों से आसानी से देखे जाने योग्य थे। यानी कि इन 7 विप्रयासी लक्षणों को देखने के लिए किसी भी प्रकार की इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, केवल नग्न आंखों से ही उन्हें आसानी से देखा जा सकता था। ओके, तो ये था मेंडल का एक सामान्य परिचय, मेंडल की कार्यविधि के बारे में और जो मटर का पादप उसने चयन किया उसके उसे क्या लाभ प्राप्त हुए उनके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो देखेंगे कि ये जो 7 विप्रयासी लक्षण जिनका मेंडल ने चयन किया था, ये 7 विप्रयासी लक्षण कौन कौन से थे, इनके प्रभावी रूप कौन से होते हैं, अप्रभावी रूप कौन से होते हैं, और इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आप शब्दावली देखेंगे, जैसे अपन ने बात करी थी समयुग्मजी है ना, विषमयुग्मजी क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, विप्रयासी लक्षण क्या होते हैं, इन सब के बारे में, शब्दावली के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।